अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आवर लेक्चर इज़ लेक्चर 8। द टॉपिक इज़ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। हमारे स्केलेटन में कितनी बोन्स हैं या उनकी डिवीजन किस तरह से हुई हुई है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। बेसिकली जब हम न्यू बोर्न होते हैं तो हमारी बोन्स होती हैं 300। हमारे स्कल के अंदर बहुत छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं। आपने अगर बच्चे के सर पे हैंड लगाया हो तो जो न्यू बोर्न बेबी है या 1-2 मंथ का जो बेबी है, उसका सर जो है वो फ्रंट से जो है या ऊपर से सॉफ्ट नज़र आता है। बेसिकली वहाँ पे बहुत सी छोटी छोटी बोन्स होती हैं जो 1 ईयर की एज तक पहुँचने तक फ्यूज़ हो जाती हैं, और ये 300 बोन्स फ्यूज़ होने के बाद कुछ हड्डियाँ कम हो जाती हैं और इनकी जो तादाद है वो अडल्ट के अंदर 206 रह जाती हैं। 206 एक ह्यूमन अडल्ट की बोन्स का नंबर है। अब कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन में दो तरह के कंपोनेंट्स हैं। वन इज़ एक्सियल स्केलेटन एंड सेकंड इज़ अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन अलोंग द लॉन्गिट्यूशनल एक्सिस होता है। बेसिकली अगर आप इस फिगर से देखते हैं तो जो लॉन्गिट्यूशनल एक्सिस हैं यानी अलोंग एक्स एक्सिस जो पाए जाते हैं, यानी स्कल और रिब्स, स्टर्नम, बैकबोन वाले जो एक्सिस के अलोंग पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। अब इसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं इसकी डिवीजन को हम देखते हैं। एक्सियल स्केलेटन के अंदर टोटल 80 बोन्स हैं, और दूसरा हमारे अंदर है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर बेसिकली अपेंडिजेस कहते हैं लेग्स और आर्म्स को, लिम्ब्स को अपेंडिजेस कहते हैं। हमारे बाजू और टांगों की हड्डियों को अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर रखा जाता है। इसके साथ जो जोन सी बोन्स अटैच होती हैं उनके अंदर हमारी शोल्डर्स की बोन, हिप्स की बोन भी शामिल हैं। आज के टॉपिक में हम देखेंगे एक्सियल स्केलेटन को, यानी जो हमारा ऊपर वाले पोर्शन का जितना भी बोन्स पर मुश्तमिल जो स्केलेटन है उसके अंदर कितनी हड्डियाँ हैं उसको देखेंगे। टोटल बोन्स हैं हमारे अंदर 206, 126 हैं अपेंडिकुलर जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टुडे लेक्चर में हम देखेंगे 80 बोन्स जो कि किसकी हैं, एक्सियल स्केलेटन की। अब इसकी डिवीजन आपकी बुक में जस्ट एक पैराग्राफ की फॉर्म में दी हुई है, लेकिन मैंने इसको हेडिंग्स की फॉर्म में दिया। आप लोगों ने इसी तरह जो है अपना चार्ट जो है वो रफ कॉपी पे भी बनाना है और पेपर में भी आप लोगों ने इसी तरह अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन 80 बोन्स में से सबसे पहले आती है स्कल की बोन्स, यानी जो हमारे ऊपर के पोर्शन जो हमारे हेड से रिलेट करती हैं। स्कल में हमारे हेड की बोन्स हैं और हमारे फेस की बोन है। हमारी पूरी स्कल में हेड भी आता है और फेस भी आता है। हेड के अंदर जो हमारी यानी बाहर की स्कल बनाती हैं, खोपड़ी जो हमारी बनाती हैं, उसके अंदर कितनी बोन्स हैं, 8 बोन्स, जिन्हें हम कहते हैं क्रेनियल बोन्स। क्रेनियम बेसिकली स्कल को कहते हैं और इसके अंदर कितनी बोन्स हैं, 8। और फेस के अंदर हमारी नोज़ की, टीथ की, जॉज की, चिक्स की, और उसके अलावा हमारे जितने भी अंडर चिन बोन्स हैं ये सारी जो हैं फेस की बोन्स कहलाती हैं। और इनके अंदर टोटल बोन्स हैं 14 बोन्स हमारी हैं फेशियल बोन्स। अगर 8 और 14 को प्लस करें तो टोटल स्कल में कितनी बोन्स आ जाएंगी, 22 बोन्स। अब यहाँ पे ये 8 बोन्स स्कल की और बाकी फेशियल बोन्स कितनी, 14। क्रेनियल और फेशियल बोन्स मिलकर टोटल स्कल की बोन्स बन जाएंगी 22। अब नेक्स्ट इज नेक बोन। हमारे नेक के अंदर एक ही बोन है जिसे हम कहते हैं हायर्ड बोन, और इसको भी हम इसमें ऐड करते जाएंगे। नेक की एक ही बोन है जिसे क्या कहते हैं, हायर्ड बोन। उसके बाद अगर आप ईयर्स की बात करते हो तो कान के अंदर अगर आपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर पढ़ा हो कभी छोटी क्लासेस में, तो आप लोगों को पता होगा कि मिडल ईयर्स में जो हैं वो छोटी बोन्स होती हैं जिन्हें हम ओसिकल्स कहते हैं। अगर 3 हड्डियाँ जो हैं एक कान में हों तो दोनों कान में कितनी हड्डियाँ होंगी, 6। टोटल मिडल ईयर ओसिकल्स दोनों कान के कितने हो जाएंगे, 6। फिर नेक्स्ट आ जाती है ये हमारी थोरेसिक कैविटी की बोन जिसे हम कहते हैं स्टर्नम। स्टर्नम के साथ हमारी रिब्स अटैच होती हैं, ठीक है। स्टर्नम भी एक ही बोन है, नेक भी एक ही बोन है। स्कल की कितनी बोन्स हैं, 22, जिसके अंदर 14 बोन्स हैं फेशियल और 8 बोन्स हैं क्रेनियल बोन्स।
अब स्टर्नम कितनी है? 1, जिसे हम थोरैसिक कैविटी की चेस्ट बोन भी कहते हैं। अब इसके साथ कितनी रिब्स अटैच होती हैं? मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर को पढ़ाते हुए ये बताया था कि हमारे अंदर टोटल 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं। 1 पेयर स्टर्नम से डिटैच होता है, बाकी 11 पेयर्स अटैच होते हैं। तो टोटल अगर 12 पेयर्स हों तो टोटल रिब्स कितनी हो गई? 24। फिर अब इसी के अलोंग अगर हम अपनी बैक साइड पे देखें तो बैक साइड पे हमारी क्या है? वर्टिब्रीज, बैकबोन है, वो भी हमारे एक्सियल स्केलेटन के अंदर ही आती है। वर्टिब्रीज के अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर टोटल हमारी 26 बोन्स हैं जो मिलकर बैकबोन बनाती हैं, जिन जो स्पाइनल कॉर्ड को कवर अप भी करती हैं। अब इन सब बोन्स को अगर आप ऐड करते हो, 22 बोन्स ही हमारी स्कल वाली बोन्स जिसमें हेड और फेशियल बोन्स थी, 1 बोन हमारी नेक की बोन, 6 बोन्स हमारी मिडल ईयर ऑसिकल्स, 1 बोन हमारी स्टर्नम, 24 बोन्स हमारी रिब्स के, 12 पेयर्स इन ईच साइड, 26 बोन्स हमारी वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स। अगर इन सब को टोटल ऐड करें तो टोटल बोन्स कितनी है? 80 बोन्स, जो कि मिलकर हमारा क्या बनाती हैं? एक्सियल स्केलेटन। सो आप लोगों ने इसी पैटर्न से क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करना है और याद भी करना है। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल ओवर माई लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।